सिर्फ एक बोरी सीमेंट से बना है यह घर, मिली लोनावला के शिलिम गांव में रहने वाले 57 वर्षीय नरेंद्र पितले से, जो पिछले 9 सालों से इको फ्रेंडली घर में रह रहे हैं। पुरानी और रिसाइकल चीजों से इस घर को बनाने में उन्हें सिर्फ 2 लाख रुपए का खर्च आया। वैसे तो नरेंद्र पुणे और मुंबई में रह चुके हैं, लेकिन इकोलॉजी में उनकी दिलचस्पी ने उन्हें गाँव में एक इको फ्रेंडली घर बनाने के लिए प्रेरित किया। 500 स्क्वायर फीट के इस घर की दीवारें उन्होंने स्थानीय लकड़ियों और मिट्टी से बनाई हैं। वहीं फर्श को मिट्टी व गोबर की लिपाई करके बनाया है, जिससे उन्हें पंखे की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। घर की सारी खिड़कियां और दरवाजे भी कबाड़ से रिसाइकल किए गए। उनके घर में बिजली भी सिर्फ 100 वाट के सोलर पैनल से आती है। फिलहाल नरेंद्र अपने घर के बाहर एक किचन गार्डन बना रहे हैं, साथ ही वह दूसरे लोगों को भी इको फ्रेंडली घर बनाने में मदद करना चाहते हैं। नरेंद्र मानते हैं कि इको फ्रेंडली घर ही सस्टेनेबल लाइफस्टाइल के लिए एक बेहतर विकल्प है।